क्योंकि आजकल के दौर में भी फ्रीलांसिंग की जा सकती है, कि ये इतना इजी है जितना कि 10 साल पहले जब आपने स्टार्ट की थी, इतना अभी इजी है कि सो फ्रीलांसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला एस्पेक्ट ये कि जब हमने स्टार्ट की फ्रीलांसिंग आज से 9-10 साल पहले, उस वक्त फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स भी कम थे, उस वक्त फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस भी कम थी, उस वक्त जो डिजिटल टूल्स हम यूज करते हैं उनकी पावर भी कम थी, उस वक्त कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ट्रेनर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट नहीं अवेलेबल था। तो फ्रीलांसिंग को सीखना आपकी खुद की जिम्मेदारी थी और टोटली 100% स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक आपने खुद ही, हम तो बस बस बैठ के तजर्बे करते रहते थे, प्रोफाइल बना ली, गेम बना ली, एडिट कर ली, एक तरह से कैप्शन लिख लिया, दूसरी तरह से लिख लिया, कभी क्या ट्राई कर लिया, कभी क्या ट्राई कर लिया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, और सारे फ्रीलांसर्स जो भी उस दौर से काम कर रहे हैं वो साइलोज में काम कर रहे थे। अब तो कम्युनिटीज बिल्ड हो गई हैं, अब तो इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, जी फेसबुक ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। तो उस एस्पेक्ट के हिसाब से तो फ्रीलांसिंग हो गई है जी आसान, क्योंकि पहले कोई रोड मैप नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी, अब बताने वाले लोग बैठे हैं, रोड मैप है, गाइडलाइन है, आपको किसी भी स्टेप पे आप फंसते हैं आपको बताने के लिए ट्रेनर्स बैठे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट अदारे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी अकेडमीज खुली हैं जो फ्रीलांसिंग सिखाती हैं, बड़े लेवल पे भी प्राइवेट अदारे काम कर रहे हैं। अब आती है सेचुरेशन की बात। सेचुरेशन डेफिनेटली बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया है, जैसे जैसे इसका वर्ड स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में, वैसे वैसे हर बंदा वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो इसमें फिर नॉन सीरियस लोग भी आना शुरू हो गया, सीरियस लोगों के साथ साथ ही, तो वो नॉन सीरियस लोगों की वजह से सेचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसने थोड़ा सा सीख लिया उसको ओके लगता है कि मैं फ्रीलांसर बन जाऊंगा अब, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसका एक डार्कर एस्पेक्ट ये है कि लोगों को फिर जो है ना स्किल पे उनका फोकस नहीं होता, वो ये नहीं समझते कि उनको किसी एक चीज के अंदर पहले मास्टर करना है, उसको बाय मास्टर आई मीन टू से कि उसको अच्छे से सीखना है और फिर उसके बाद उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, उसको बेचना है उस स्किल को। तो बच्चे बेचने वाली बात पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं और सीखने वाली बात पे कम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन तो ऑब्वियसली बढ़ ही गई है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर जी बंदा एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं और वो ओके उतना ही ज्यादा कंपटीशन है। कोई जॉब पोस्ट होती है तो हमारे दौर में उसके ऊपर 5 प्रपोजल या 10 प्रपोजल नजर आते थे, अब जॉब पोस्ट होने के 2 घंटों बाद वहां पर 50 प्रपोजल नजर आ रहे होते हैं। लेकिन इसका हरगिज भी ओके ये मतलब नहीं है कि अच्छे लोगों की जगह नहीं है। अगर अगर कोई बंदा, मैं पर्सनली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हायर भी कर चुका हूँ लोगों को और फ्रीलांसिंग जी प्लेटफॉर्म पे खुद भी काम करता हूँ, लोग भी मुझे हायर करते हैं, तो जो मैंने लोगों को हायर करके सीखा है वो, उसमें मेरी लर्निंग ये है कि जहां पे आप जॉब पोस्ट करके आपको 50 प्रपोजल आते हैं उनमें से काम के प्रपोजल 5-6 ही होते हैं, बाकी बिल्कुल ठीक कॉपी पेस्ट वाले या बिल्कुल भी अच्छे प्रपोजल नहीं होते, उन्होंने जान छुड़ाई होती है, उनको लगता है कि बस हम कुछ भी लिख के भेज देंगे ये हमें काम दे देगा। जिस बंदे ने पैसे स्पेंड करने हैं वो कभी भी फुली एनालिसिस किए बगैर आपको हायर नहीं करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिगिनर की जगह ही खत्म होगी, वो बिगिनर जो के काम में अच्छा नहीं है उसकी उसकी जगह समझ लें खत्म। पहले काम में नहीं भी अच्छे लोग होते थे, वो भी किसी कोई ना कोई जुगाड़ करके आस्ते आस्ते चला लेते थे काम, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे लोगों को बेवकूफ बना के। अब लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल हो गया, अब आपको वाकई काम आना चाहिए। तो उस एस्पेक्ट से यस इट हैज बिकम डिफिकल्ट।